हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे यदि आप अश्वगंधा का अधिक मात्रा में सेवन कर लेते हैं तो इससे आपको क्या क्या नुकसान पहुंच सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो अश्वगंधा बहुत ही फायदेमंद है, कई बीमारियों का सफल इलाज अश्वगंधा से होता है और आयुर्वेद में अश्वगंधा से कई तरह की औषधियां भी बनाई जाती है जो स्किन प्रॉब्लम में काफी प्रयोग में लाई जाती है। इससे अनेक बीमारियां भी ठीक हो जाती है, जैसे की थायराइड, शरीर का पतलापन जैसी अनेक बीमारियों में ये काम आता है, इनको जड़ से ठीक कर देता है। लेकिन इसका अधिक उपयोग करने से शरीर में इसके गलत परिणाम भी हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर इतने फायदे देने वाला अश्वगंधा क्या क्या नुकसान हमें पहुंचा सकता है अगर हम इसका ज्यादा मात्रा में सेवन करें। दोस्तों, पेट की बीमारी। अश्वगंधा के अधिक सेवन से पेट संबंधी दिक्कतें होने लगती है, जैसे कि पेट में ज्यादा गैस बनना, उल्टी लगना आदि। यही नहीं दोस्तों, अश्वगंधा आंतों को भी हानि पहुंचाता है, इसलिए इसका ज्यादा मात्रा में सेवन कभी ना करें। नींद अधिक आना। अश्वगंधा का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है, इंसान को नींद ज्यादा आने लगती है और अधिक समय तक अगर आप इसको लगातार ले रहे हैं तो इंसान को नींद आना भी बंद हो जाता है, जो कि सेहत के लिए हानिकारक है। जब भी आप अश्वगंधा का इस्तेमाल करें तो किसी चिकित्सक की सलाह से जरूर करें। शरीर पर किसी दवा का लगना। दोस्तों, इसका तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है, कोई भी दवा शरीर पर नहीं लग पाती। यदि आप अश्वगंधा का प्रयोग लंबे समय से कर रहे हैं तो अन्य दवाइयों को शरीर पर लगने नहीं देती, जिस वजह से रोगी और बीमार होने लगता है। यदि आप अश्वगंधा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से पूछकर कोई दूसरी दवाई लें। शरीर का विपरीत होना। अश्वगंधा का अधिक सेवन करना शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। यदि आप अश्वगंधा का सेवन अर्थराइटिस, गठिया और सूजन की समस्या को कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी मात्रा ज्यादा लेने से बचें। अश्वगंधा का नियमित और अधिक सेवन करना शरीर के लिए परेशानी बन सकता है। अश्वगंधा शरीर की क्षमता को एक हद तक बढ़ाने के बाद फिर उसे शक्तिहीन बना देता है। अश्वगंधा का सेवन धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमजोर कर देता है, जिस वजह से शरीर में वात और पित्त दोष बढ़ने लगते हैं, शरीर का तापमान बढ़ाता है। जो लोग अश्वगंधा का इस्तेमाल अधिक करते हैं उनके शरीर में परिवर्तन आने लगता है, जैसे कि शरीर का तापमान ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बुखार तक आने लगता है। यदि आपका तापमान बढ़ने लगे तो आप इसका सेवन करना तुरंत बंद कर दें, नहीं तो परेशानी अधिक बढ़ सकती है। साथ ही अपने डॉक्टर को इस बारे में जरूर बता दें। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि किन लोगों को अश्वगंधा के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। जो लोग शुगर, गठिया, आर्थराइटिस इन बीमारियों से बचने के लिए अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें भी इसका सेवन कम मात्रा में ही करना चाहिए या फिर अपने डॉक्टर से पूछकर करना चाहिए। अल्सर के रोगी, गैस की समस्या वाले रोगी और गर्भवती महिलाओं को भी अश्वगंधा का सेवन करने से बचना चाहिए। दोस्तों, अब आपका प्रश्न ये होगा कि अश्वगंधा का कितनी मात्रा में सेवन करें ताकि हमारे लिए ये सही रहे। तो दोस्तों, इसका आंसर है, जब आपको लगे कि अश्वगंधा के सेवन के बाद आपका रोग सही हो रहा है तो आप अश्वगंधा का नियमित सेवन करना कम कर दें, और अगर करना भी हो तो आधा चम्मच चाय वाला इतनी ही मात्रा में सेवन करें, और वो भी 3 महीने से ज्यादा रेगुलर मत करें। अगर रेगुलर करना हो तो कुछ दिन नियमित लेने के बाद फिर इसको 2 से 3 दिन बाद या सप्ताह में 1-2 बार ही सेवन करें। अश्वगंधा जितना शरीर के लिए लाभदायक होता है उतना ही इसके विपरीत गुण भी होते हैं, आपको पता होना चाहिए ताकि आप इससे होने वाली गंभीर दिक्कतों से बच सके। इसलिए अपने डॉक्टर की सलाह से ही अश्वगंधा का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आप भी इन बातों का ध्यान रखिए और अपने लिए फायदा उठाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसे भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।